हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देख रहे हैं अपना ईएफटी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। मैं ए जनरेटर ऑफ 1 वोल्ट 1 किलो हर्ट्ज, यह मेरे को क्या गिवन है। जनरेटर का कैपेसिटी दे रखा है 80 वोल्ट दे रखा है, वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी गिवन है। सप्लाईज द पावर टू 100 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अपने को जो पावर सप्लाई करना है 100 किलोमीटर दिखा रहेगा ट्रांसमिशन लाइन की हेल्प से, ठीक है। ट्रांसमिटेड इन जेड नोड एंड हैविंग पैरामीटर्स, तो हमारे पैरामीटर्स कौन से? प्राइमरी पैरामीटर्स आर रेजिस्टेंस गिवन है, एल इंडक्टेंस गिवन है, जी कंडक्टेंस गिवन है, और सी कैपेसिटेंस गिवन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, कैलकुलेट कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जिसको जेड नोड से डिनोट करते हैं, प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट गामा से डिनोट करते हैं, एंड रिफ्लेक्शन कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन सभी सोल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है लिखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन टाइप फॉर्मूला वैल्यू पुट अप करके आ जाएगा, लेकिन आपको जो कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेशन कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। वो इसी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वन बाय वन कंप्लीट कैलकुलेशन करके बताया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। वो वीडियो में मैंने अपने कंप्यूटर में तो साइंटिफिक हेल्थ सीखा है, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैंने यहाँ पे शो किया है वीडियो में, ठीक है। तो वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा उसमें कैसे सॉल्व करना, ठीक है। इस वीडियो में मैं ट्राई करता हूँ आपको पूरा एक्सप्लेन करने का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है पावर 1 वोल्ट जनरेटर पावर, कितना गिवन है 1 वोल्ट एंड 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्यों है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 1 किलो हर्ट्ज 10³ हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है हमारा, रेजिस्टेंस आर क्या गिवन है, आर गिवन है 10.4 ओम पर किलोमीटर, ठीक है, रेजिस्टेंस मिला। सेकंड क्या है हमारा, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या गिवन है, 0.00367 हेनरी पर किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है, कंडक्टेंस जी क्या गिवन है, 0.8 × 10⁻⁶ महो पर किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कितना गिवन है, सी इज इक्वल्स टू 0. सॉरी कैपेसिटेंस 0.00835 × 10⁻⁶ फेरेड पर किलोमीटर, ठीक है। अब हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला लिखते हैं उसके लिए। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जेड नोट से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए, रेजिस्टेंस प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। आर हमारे पास गिवन है, ओमेगा का वैल्यू हम क्या ऐसे फाइंड करेंगे, 2 पाई है, फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करके हम ओमेगा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एल का वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा, एल का वैल्यू किस में गिवन है, जी का वैल्यू हमें गिवन है, जो कंडक्टेंस होते हैं उसका वैल्यू गिवन है, और सी का वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट क्या है, वैल्यू पुट अप करते हैं। जेड नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट क्या गिवन है, आर आर क्या गिवन 10.4 प्लस जे ओमेगा का वैल्यू 2 पाई × 10³, क्योंकि हमारे फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 10³ इंटू एल कितना गिवन है 0.00367, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जी का वैल्यू क्या गिवन है 0.8 × 10⁻⁶ प्लस जे ओमेगा का वैल्यू क्या है 2 पाई × 10⁻³, सी का वैल्यू 0.00435 × 10⁻⁶, ठीक है। ये हमारा वैल्यू फोटेज। अब आपको फाइंड कैसे करना है,
अब इस टाइप की इक्वेशन जो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के इक्वेशन होते हैं उनको सोल्व करना होता है आपको पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में सोल्व करने के लिए क्या होता है, पोलर फॉर्म में सोल्व करने के लिए आपको केल्सी को सबसे पहले केल्सी ऑन के फिर इसको आपको डिग्री मोड में कन्वर्ट करना है। केल्सी को हमेशा डिग्री मोड में रख के ही आपको सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, शिफ्ट प्लस जो अपना प्लस का आइकन है जहाँ पे POL लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। पोल पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पोल ब्रैकेट में वैल्यू पुट मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या ऐसा मिल रहा है, पोल ब्रैकेट में आपको यहाँ पे वैल्यू और कॉमा यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा वैल्यू पुटअप करना है, जो ये रियल पार्ट है रियल पार्ट को पुटअप करना है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे कौन सा कॉमा एंड सेकंड पोजीशन पे क्या इमेजिनरी पार्ट को, यहाँ पे जे का यूज नहीं करना है, अपने को डायरेक्ट इमेजिनरी पार्ट का जो वैल्यू है उसको पुटअप करना है कम्प्लीटली, ठीक है। तो आप वैल्यू पुटअप करोगे तो ऊपर वाले के लिए क्या आएगा, ऊपर वाले के लिए अपना आंसर आएगा, आपको वैल्यू पुटअप करके देखना है। और आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आपको जो मेरे लास्ट वीडियो में उसमें जो कैल्सी में यूज कैसे करते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया, आप वो भी देख सकते हैं। 25.29 एंगल 65.72, आपको यहाँ पे फाइनल जब इक्वल प्रेस करोगे तो यहाँ पे आर का कुछ वैल्यू मिलेगा एंड यहाँ थीटा का कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, आर मतलब मैग्नीट्यूड और यह होता है फेज या एंगल, तो उसको पुट डिनोट कैसे करते हैं, सब पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं एंगल का सिंबल एंड आपको यहाँ पे जो अपना एंगल है वो पुट अप करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली नीचे वाले के लिए क्या आएगा, यहाँ पे पोल की जगह क्या पुट अप करना है, ये जीरो फर्स्ट रियल पार्ट एंड सेकंड इमेजिनरी पार्ट पुट अप करना है, यहाँ पे क्या है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ये मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया, ठीक है। प्रेस आप इक्वल प्रेस करोगे तो आपको क्या आर का वैल्यू एंड थीटा का वैल्यू मिल रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है 5.24 × 10⁻¹⁵ एंगल 89.12 डिग्री, ठीक है। ये तो अपना सॉल्यूशन है इसका। अब आपको फर्दर सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान देना है जब एंगल्स अपने को सॉल्व करना हो, ये है मैग्नीट्यूड का पार्ट ये एंगल का पार्ट है, मैग्नीट्यूड तो डिवाइड हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड जैसे है मैग्नीट्यूड 1 या मैग्नीट्यूड 2 डिवाइड हो जाता है, फिर जो अपन पावर है 1/2 लिख सकते हैं इसको अंडर रूट को पावर 1/2, फिर क्या करना है आपको एंगल, एंगल का कैलकुलेशन कैसे होता है जब डिवाइड में होता है तब तो आपको माइनस में करना होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 65.72 − 89.12, ठीक है। आपको माइनस करना है इनटू जो अपना पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोल्व कर 1 वे में अलग अलग लिख देता हूँ, क्या आएगा 25.29 ÷ 5.24 × 10⁻¹⁵ पावर क्या आएगी हाफ एंगल, यहाँ पे क्या एंगल जो अपना एंगल्स होते हैं उनको माइनस करना होता है 72 − 89.12। कैल्सी हमेशा डिग्री मोड में होना चाहिए और पावर को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई के जेड नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रहा है 694.71 एंगल −11.7 डिग्री, और ये जेड नॉट इम्पिडेंस है तो क्या फॉर्मूला होगा, ओम में इसका अपन यूनिट लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहला पार्ट समझ आया, इस पार्ट को देखने का आपको समझ होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे सोल्व किया मैंने, ठीक है। कमेंट करके ये आपका सॉल्विंग के लिए कैसे सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य फाइंड का नाम है प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट फाइंड करते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट टाइप के इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको वैल्यू तो डायरेक्ट कैलसी से निकालना होता है, आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके उसमें आपको कैलसी से फाइंड करना होता है, लेकिन कैलसी का यूज कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप प्रोपगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू ये होता है इम्पीडेंस एंड ये होता है एडमिटेंस बी प्लस जे ओमेगा सी, इम्पीडेंस एंड
एडमिटेंस का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू अंडर रूट वैल्यू पुट अप करते हैं, सबसे पहले आर का वैल्यू क्या है 10.4 प्लस जे ओमेगा का वैल्यू 2π × 10⁻³ इंटू एल का वैल्यू क्या है 0.00367, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई क्या है जी का वैल्यू 0.8 × 10⁻⁶ प्लस जे 2π × ओमेगा का वैल्यू इंटू सी का वैल्यू क्या है 0.00835 × 10⁻³ −16। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले तो इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है साइंटिफिक कैलसी से, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने यहाँ पे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, यही वैल्यू अपन पुट अप करते हैं वहां पे 25.2929 एंगल 65.72। फिर यहाँ पे क्या है नीचे वाले के लिए 5.24 × 10⁻⁵ एंगल 89.12 डिग्री, ये डिग्री में और ये अपना मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब ये कैसे सोल्व करते हैं, आपको ये सोल्व करना होता है आपको जब एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करते थे वहां पे क्या कर रहे थे, वहां डिवाइड में थे तो अपन डिवाइड में किए थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनको मैं अलग अलग करके दिखता हूँ, क्या देगा 25.29 इंटू 5.24 × 10⁻⁵। तो अब पावर क्या है अपने पास, अंडर रूट को वन को क्या लिख, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 पावर लिख दिया एंगल। फिर अब क्या मल्टीप्लाई में होता है एंगल, जब यहाँ पे क्या था डिवाइड में थे, डिवाइड में क्या होता था माइनस माइनस किया था हमने, यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल मल्टीप्लाई में दोनों, तो क्या हो जाएगा एड हो जाएगा 65.72 डिग्री प्लस 89.12 डिग्री इंटू जो पावर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तब तो हमारा क्या है, अब इसको अपने कैलसी से सोल्व करना है डायरेक्ट, क्या वैल्यू मिल रहा है अपने को 0.0364 एंगल 77.42 डिग्री, ठीक। ये अपना क्या मिल रहा है गामा का वैल्यू, ठीक। इतना हमें फाइंड करना था। अभी हमें कौन से पोलर फॉर्म में, हमें कौन से फॉर्म में आंसर चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको शिफ्ट कैल्सियम साइंटिफिक कैल्सियम शिफ्ट एंड माइनस जो अपना माइनस सिंबल है उसको प्रेस करना है, वहां पे आपको दिखेगा आर ई सी रेक्टेंगुलर के लिए, फिर आपको फिर ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट के बाद आपको पहले वैल्यू पुट अप करना है मैग्नीट्यूड का, फिर कॉमा, फिर आपको हेज का वैल्यू पुट अप करना है। तो आपको रेक्टेंगुलर फिर इक्वल प्रेस किया तो आपको क्या मिल रहा है एक्स इक्वल टू जो वैल्यू मिल रहा है वो आपको पुट अप करना है, एंड वाई इज इक्वल टू जो इमेजिनरी पार्ट है, एक्स क्या है यहाँ पे रियल पार्ट एंड वाई क्या है इमेजिनरी पार्ट। रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अपना वैल्यू आया 7.92 × 10⁻³ प्लस जे 0.035 आपको इमेजिनरी पार्ट में, ये अपना क्या है प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट किसके इक्वल था, अल्फा प्लस जे बीटा के, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, अल्फा को क्या बोलते हैं अटेंशन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या आता है उसका कंपेयर किया तो क्या मिल रहा है 7.92 × 10⁻³ एनपी पर किलोमीटर। यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है जिसको बोलते हैं अपन पेज कॉन्स्टेंट, क्या मिल रहा है जे का मल्टीप्लाई में जो भी इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लाई में वो वैल्यू रेडियन पर किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे अल्फा और बीटा भी फाइंड कर लिया, नेक्स्ट का फाइंड करना है क्वेश्चन में आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड करना, ये डिफरेंट थोड़ा क्वेश्चन का है पार्ट है पार्ट थ्री का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैसे डिनोट करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला जेड एल माइनस जेड ओ डिवाइड बाय
जेड एल प्लस जेड ओ। ठीक है, हमारे पास क्या है, जेड ओ जेड ओ है, मतलब अपने फाइंड किया कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, वो हमें फाइंड किया, एंड जेड एल, जेड एल क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस। अब लोड ट्रांसमिशन के लिए अभी किस पर इम्पिडेंस भी डिपेंड हो रहा है, जेड एल हमारे इस क्वेश्चन में ट्रांसमिशन किस पे हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस पे हो रहा है, जेड एल इज इक्वल टू जेड ओ है हमारे इस क्वेश्चन में, क्योंकि जेड एल कैरेक्टरिस्टिक जो इम्पिडेंस है उस पे अपने को ट्रांसमिशन हो रहा है। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल रहा है, के इज इक्वल टू, अगर यहाँ जेड एल, जेड एल की जगह अपने जेड जेड ओ पुट किया, मान लो जेड ओ डिवाइड बाई जेड ओ प्लस जेड एल जेड ओ। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड ओ जेड ओ जीरो हो जाएगा, पहला जीरो अपॉन टू जेड ओ, तो यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा जीरो। तो अपना रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो। ये क्यों आ रहा है आपको, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में जो अपना जेड नॉट गिवन है, जेड एल का वैल्यू है, लोड इम्पिडेंस गिवन है, वो क्या होता है, अपना ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिशन इम्पिडेंस है उसके इक्वल है, तो उसकी वजह से अब वैल्यू जीरो आ रहा है। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, हमने कंप्लीट वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और आपको कोई भी स्टेप में डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो लास्ट लेक्चर लास्ट वीडियो था जिसमें हमने यही सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था, और उसमें मैंने आपको साइंटिफिक कैलसी का जो स्क्रीन का जो रिकॉर्डिंग है वो भी बताया था मैंने, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करना आपको। ठीक है, होप आपको यही वीडियो समझ में आएगा, जो भी आपको यही कमेंट है वो आप पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जो आपको ये डाउट है वो आप डिस्क्रिप्शन में, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी लगा देता हूँ मैं, वहाँ आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, और लास्ट वीडियो को देखें जरूर, और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस प्ले लिस्ट को।